मैं तुझे 50,000 दूंगा, वो 50,000 तो गोकुलधाम सोसाइटी में जाके भिड़े के मुंह पे मारना। जी सेठ जी। दूसरा काम, अपने विक्रम भाई है ना, उनकी दुकान पे जाना, वहां से 1500-1700 का कोई बढ़िया सा प्रेशर कुकर खरीदना, और वो कुकर बापूजी के दोस्त है माऊजी भाई छेड़ा है? उनके घर पर जाके वो देखे यार। हमारे सेठ जी ने आपके लिए 50,000 रुपए भेजे हैं। 50,000 सेठ जी ने आपके लिए ये भेजा है। कुकर आता है आत्माराम तुकाराम भिड़े शांत नहीं बचना। अभी देखना, अब ये आत्माराम तुकाराम भिड़े सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अरे आओ आओ भिंडी मास्टर। चाचा जी हड़ू जरा। भाई क्या हुआ? अरे भाभी, चाचा जी मैं यहाँ पे कंप्लेंट करने आया हूँ। टप्पू, मेरे टप्पू ने वापस कोई शरारत की। दिक्का कितनी बार कहे शरारत मत कर। जय भाभी नहीं भिड़े भाई, भिड़े भाई मुझे बोलने दीजिए। टप्पू अभी तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं। अरे मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। मेरे टप्पू ने कुछ नहीं किया है। तो हम लोग कब से वही बता रहे हैं आपको। मैं टप्पू की कंप्लेंट करने नहीं आया हूँ जय भाभी। तो मैं टप्पू के पापा की कंप्लेंट करने आया हूँ। पापा ने क्या किया? जेठालाल ने सोसाइटी के नियम तोड़े हैं, मेरी सहनशीलता की सारी हदें तोड़ दी है। पहले तो एक आदरणीय शिक्षक को, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को सबके सामने प्रेशर कुकर बोला, और ऊपर से मेंटेनेंस की बजाय ये भेज दिया प्रेशर कुकर। कुकर? जेठे ने तुझे कुकर भेजा? हमारे घर के कुकर में समझ रही है, वो दाल चावल रखा है ना। टप्पू जल्दी बेटे सीटी बंद कर, गैस बंद कर देना बेटे जा। भिड़े भाई टप्पू के पापा ऐसी शरारत नहीं कर सकते है, वो तो एकदम भोले भटक है, वो तो एकदम नारियल जैसे है, बाहर से कड़क अंदर से एकदम पानी जैसा निर्मल। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है दया भाभी। अभी थोड़ी देर पहले बागा हमारे घर पे आके ये प्रेशर कुकर देकर गया, और पता है चाचा जी जेठा ने क्या बोला? कि भेड़े के घर पे जाके ये कुकर उसके मुंह पे मारना। एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है। ये कुकर तो हमारे मौजी काका को भेजना था, आपको कैसे भेज दिया? कहीं पैसे मौजी काका को तो नहीं भेज दिए? मौजी कौन? सॉरी हेलो, मैं मावजी छेड़ा बोल रहा हूँ। अरे भाई आपकी एक फोटो भेज दो, मैं रोज उसकी पूजा करूंगा। मैं कुछ समझा नहीं भाई। इसे कहते हैं सादगी। अरे गिफ्ट में 50,000 रुपया भेज दिया, फिर भी तुम ऐसे बात करते हो कि जैसे कुछ दिया ही नहीं। क्या सच कहूँ चंपक, मेरी तो आंखें भर आई। मुझे तेरे जैसा दोस्त मिला, मेरा तो जीवन सफल हो गया। सुनिए चंपक भाई, आप शादी में तो आए नहीं, लेकिन खाना खाने के लिए घर आना पड़ेगा। हाँ आऊंगा आऊंगा, जरूर आऊंगा। मामा गजेंद्र चाचा जी गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ चाचा जी, शादी के फोटो आते ही सबसे पहले आपको दिखाने आऊंगा। हाँ जय जिनेन्द्र चाचा जी। जय जिनेन्द्र बेटा। बापू जी चाचा जी क्या हुआ? अक्कल होकर क्या ढंडा चेटिया? तेरा अंदाजा सही निकला, जेठिया ने ये भिंडी मास्टर को 50,000 की जगह कुकर भेज दिया, और उस माउजी तेरा को कुकर की जगह 50,000 रुपए भेज दिए। कल्याण ऐसा गोंधल चला बाबू चक्की का। ये वाह, ये जेठालाल भी
अभी बैंक में जाके क्या कुकर भरू? मैम अभी ये कुकर आपका है तो आप रख लीजिए। हमारे घर पर तो पहले से ही 7 दिन के 7 कुकर है। फिर भी आप रख लीजिए, अभी ये कुकर हम लोग रख के क्या करेंगे ना? हम रख लेते हैं ना, वैसे भी नया कुकर लेना ही है, हमारा बिगड़ गया है, 7 साल से एक ही कुकर यूज कर रहे थे। हिसाब का देख लेंगे ना बाद में। हाँ दया भाभी, कुकर के हिसाब की बात नहीं कर रहा, मुझे मेंटेनेंस के हिसाब की चिंता हो रही है यहाँ पे। अरे करम सिंह भाई, आप मार्केट में किसी को भी पूछ लो, जेठालाल गड़ा की जबान मतलब लोखंडी जबान। एक बार बोल दिया, बोल दिया। ओके ओके, हाँ बोले बोले। ओके माँ, हाँ बोल दिया। जेठिया मैं बोल रहा हूँ। हाँ बाबू जी बोलिए। अभी घर पे भिंडी मास्टर आया है, थैंक यू बोलने आया होगा, उसको कहिए थैंक यू की जरूरत नहीं है। ये अक्कल जो उथमीर, तूने भिंडी मास्टर को 50,000 की जगह पे कुकर भेजा है क्या? ये क्या वाली, ये बता कि तूने भिंडी मास्टर को 50,000 की जगह पे कुकर क्यों भेजा है? कुकर? हाँ कुकर। तूने भिंडी मास्टर को कुकर भेजा है और उस माऊजी टेढ़ा को कुकर की जगह पे 50,000 रुपए भेजे हैं। अरे तेरी अक्ल क्या घास चले गई है? ये आप क्या बोल रहे हैं बाबूजी? माऊजी भाई को 50,000 और भिड़े को कुकर? हाँ, उस माऊजी टेढ़ा का अभी मुझे फोन आया था, वो 50,000 देख के खुशी के मारे उसकी आंखें भर आई है। ये कैसे हो सकता है बाबूजी? ये बबूचक, मैं तुझे वही पूछ रहा हूँ, ये कैसे हो गया? ये बाबूजी, ये बागन ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया है? मतलब मैंने उसको समझा के भेजा था कि भाई तू पहले माऊजी भाई के घर पे जाना, उनको कुकर दे देना और फिर वहाँ से भिड़े के पास जाना, उसको 50,000 देना। इसने सब उल्टा कर दिया, सब गड़बड़ कर दी। आज सुबह से उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है बापूजी। आप एक काम कीजिए, फोन रखिए, मैं अभी बागन से बात करता हूँ बापूजी। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। हाँ मैं फोन करता हूँ आपको बाद में। क्या किया तूने? अरे फोन उठा मेरा। अरे इतना बड़ा नुकसान करके फोन नहीं उठा रहा है? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ सेठ जी बोलिए, कैसे याद किया? कैसे याद किया? मैंने आपको इसलिए याद किया क्योंकि आपने मुझे बर्बाद किया। कहाँ है तो? बकरी करती बैं बैं, समंदर किनारे बैठा मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है इसलिए वो समंदर में? बागान बेटा, समंदर किनारे क्यों गया है तू? डूबते हुए सूरज को देखने। मुझे डूबा के तेरा दिल नहीं भरा कि अभी सूरज को भी डूबा रहा है? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। अरे समझ में तो मेरी नहीं आ रहा है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हो गया है तुझे? लेकिन मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? अरे माऊजी भाई को कुकर देना था, उनको तू 50,000 दे के आया, और भेड़े को 50,000 देना था, उसको तू कुकर दे के आया। नहीं नहीं सेठ जी, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि पहले माऊजी भाई के घर जाना और उन्हें 50,000 रुपए दे देना, फिर भिड़े भाई के घर जाना। और जब मैं भिड़े भाई के घर गया तो मेरे पास सिर्फ कुकर ही बचा था, तो मैं वही दूंगा ना। भगवान क्या करूं मैं इसका। तो दुकाना तू अभी क्या? मैं दुकाना आता हूँ सेठ जी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? डूबते हुए सूरज को डूबता हुआ देख कर, उगते हुए चांद को उगता हुआ देखूंगा, फिर आऊंगा। अरे काट दिया फोन काट दिया इसने। क्या करूं मैं अभी, क्या करूं इसका। ए भगवान, अभी माऊजी भाई से 50,000 वापस कैसा लाऊं? फायर ब्रिगेड। बोलो मित्र प्रॉब्लम लाल।
आप सही कह रहे हैं मेहता साहब, मुझे अपना नाम जेठालाल से बदल के पॉपलम लाली रख देना चाहिए। अब क्या हो गया भाई, भिड़े ने क्या किया अब? अरे नहीं नहीं, अभी वो बागा क्रीज पे उतरा है बैटिंग करने के लिए। बल्लेबाज बदल कैसे गया भाई, क्या हुआ? अरे आज सुबह मैंने वो भिड़े को नहीं बोला था कि पूरे साल का एक साथ में 50,000 दे दूंगा मेंटेनेंस? हाँ तो क्या हुआ कि फिर क्या बात कर रहे हो जेठालाल, प्रेशर कुकर की जगह 50,000 रुपए पहुंच गए? हाँ वही तो, अभी समझ में नहीं आता है क्या करूं। अरे करना क्या है जेठालाल, अपने रिश्तेदार माऊजी छेड़ा के घर जाओ, उन्हें कुकर दो और 50,000 रुपए लेके आओ। शादी में गिफ्ट दिए हुए पैसे वापस कैसे मांग सकता हूँ मेहता साहब, अजीब धर्म संकट में डाल दिया बागा ने। अरे धर्म संकट की क्या बात है जेठालाल, 50,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। अपने रिश्तेदार को समझाओ कि भाई आपके लिए प्रेशर कुकर खरीदा था, गलती से ऐसा हो गया, जो कुछ हुआ है साफ साफ बता दो, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। अरे लेकिन कुकर तो भिड़े के पास है, वो कुकर वापस देगा? अरे जेठालाल भिड़े से कुकर मांगने की क्या जरूरत है, एक नया कुकर खरीद लो और दे दो। अरे हाँ मेरा भी दिमाग खलास हो गया है। जेठालाल अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ, अगर माऊजी छेड़ा ने 50,000 रुपए खर्च कर दिए तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं अभी 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 जाता हूँ, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। अरे मगन अरे जेठालाल तुम, अच्छा अच्छा कैसे हो मौजी काका? एकदम मजा है। आओ बेटा आओ, कैसे हो मौजी काका? मजे में। ये बेटा बहुत दिनों के बाद आए, आओ बैठो। हाँ हाँ कैसे काकी आप? बस ठीक हूँ। अरे चीकू बेटा देखो कौन आया है। अरे जेठा भाई कैसे हो आप, बहुत दिनों बाद आए। आना पड़ा। अरे बेटा चंपक क्यों नहीं आया? उनकी तबीयत खराब है ना? अरे हाँ 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 ठीक है उसको आराम करने दो। नहीं नहीं पानी नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे बहू जेठा लाल के लिए चाय लाओ, शरबत लाओ। नहीं नहीं कुछ नहीं पीना है। तो सीधा खाना खा लो, वैसे भी आप लोगों की दो थाली उधार है हम पर। नहीं नहीं खाना भी नहीं खाना है मौजी काका, दरअसल मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। बोलो बेटा बोलो। हे ईश्वर मुझे बोलने की हिम्मत दो। वो मौजी काका, वो दरअसल हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे बेटा शादी में नहीं आए तो क्या हुआ, तुमने 50,000 रुपया का कवर देकर अपनी गलती अच्छी तरह सुधार ली है। अरे वाह पैसे अभी तक इन्होंने खर्च नहीं किए हैं, पूरे के पूरे 50,000 ऐसे के ऐसे ही है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। दरअसल मौजी काका मैं ये 50,000 ही वापस लेने आया हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा। नहीं नहीं आपको पता है जेठा भाई, पिताजी ने शादी में कितना खर्चा होगा ये बोल कर हमारा हनीमून कैंसिल कर दिया था। लेकिन जेठा भाई आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से हम लोग हनीमून जा रहे हैं, वो भी कुल्लू मनाली। मेरी वजह से कुल्लू मनाली? हाँ जेठा भाई हाँ। एक्सक्यूज मी, हेलो आई एम फ्रॉम फटाफट टूर्स एंड ट्रेवल्स। अरे आइए आइए, ये लीजिए आपकी टिकट कंफर्म हो गई है। ओ थैंक यू वेरी मच। बेटे इनको पेमेंट कर दो। हाँ बाबूजी।
50,000। जेठा भाई आप वाले ही पैसे हैं, थैंक यू। अरे अरे, अरे। गए मेरे 50,000। थैंक यू। तो सुबह आपको गाड़ी पिकअप करने आ जाएगी। ठीक है, हम लोग तैयार रहेंगे। थैंक यू। देखा कितना खुश है मेरा चीकू। सिर्फ आपकी वजह से हम लोग हनीमून पे जा पा रहे। थैंक यू सो मच। अरे बेटे, तुमने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कुकर बेचना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, अरे ये प्रेशर कुकर तो मैं दरअसल आप लोगों के लिए लाया था। इसे देखकर वाह वाह, हमारे तो भाग्य खुल गए। 50,000 के ऊपर कुकर भी दे रहे हो। इतने उदार दिले आप लोग हैं। लक्ष्मी, इन्होंने सोचा होगा कि नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए जाना है तो खाली हाथ थोड़े जाते हैं, इसलिए ये गिफ्ट लेकर आ गए, है ना? बहू, तुम कह रही थी ना शादी में किसी ने प्रेशर कुकर नहीं दिया। लो, प्रेशर कुकर भी आ गया। बहू, ये कुकर स्टील का है या एल्यूमिनियम का? अरे खोल के देख लो ना बेटा, अगर एल्यूमिनियम का होगा तो जेठालाल बदल कर स्टील का भिजवा देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? बराबर, लेकिन ये स्टील का ही है। हाँ देखा, 10 साल की वारंटी के साथ। जीते रहो बेटा। जेठा भाई, अब हमारे घर में सालों साल आपके नाम की सीटी बजती रहेगी। जेठालाल, मैं अपने पूरे कच्ची समाज को बताऊंगा कि आप लोगों ने हमें कितना प्यार दिया है। आप तो बताएंगे, लेकिन अभी मैं बापूजी को कैसे बताऊं कि 50,000 के साथ साथ कुकर भी गया। बापूजी, आप ऐसे ही चक्कर मारते रहेंगे तो आपके पैरों में दर्द होगा, थोड़ी देर बैठ जाइए ना। अरे क्या बैठ जाऊं बहू, ये जेठे और भागा ने कितना बड़ा भगा कर दिया है। पूरे समाज में बात फैल गई है कि माऊजी के बेटे की शादी में हमने उन्हें 50,000 रुपए गिफ्ट में दिए। ये जेठिया माऊजी के घर से पैसे लेकर आ जाए तो अच्छा है। हेलो हेलो, दया बहू, खिम जी बोल रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ, खिम जी का। जय जिनेन्द्र। चंपक है घर पर? जरा उसे फोन देना तो। हाँ, एक मिनट देती हूँ। बापूजी, खिम जी काका का फोन है। हाँ हेलो खिम जी, कैसे है तू? सब ठीक है। एक खुशखबरी देने के लिए तुझे फोन किया है। हाँ हाँ बोल। मेरी छोटी बेटी प्रतिमा की शादी तय हो गई है। अरे वाह। मुलुंड वाले विजय भाई सावला के बेटे के साथ 12 फरवरी को आप सबको शादी और रिसेप्शन दोनों में आना है। हाँ हाँ, अरे हम सब लोग आएंगे। और हाँ, 50,000 की गिफ्ट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 75,000 तो देना पड़ेगा। अरे भाई खिम जी, वो क्या चंपक, मेरे दूसरे बेटे की शादी में सिर्फ 501 रुपया दिया था और मावजी के बेटे की शादी में सीधा 50,000, मुझसे बढ़कर है क्या वो? मेरा तुझ पर ज्यादा हक है। अरे भाई खिम जी, वो गिफ्ट नहीं थी वो। हाँ मुझे पता है, सिर्फ वही गिफ्ट नहीं थी, ऊपर से जेठालाल उसके घर जाकर वरवधु को प्रेशर कुकर भी दे आए। ये क्या कह रहा है तू? ऐसा किसने कहा तुझे? अरे माऊजी ने खुद मुझे बताया। अब वो सब छोड़, अगर माऊजी से कम गिफ्ट मैंने ली तो मेरी समाज में नाक कट जाएगी। हाँ बापूजी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या बहू, ये जेठिया ने फिर गड़बड़ कर दी।
अरे उसे माऊजी के घर 50,000 रुपए लेने भेजा था, 50,000 रुपए तो लिए नहीं, ऊपर से बबू चक उसे कुकर भी नहीं कराया। बबू चक कहीं का? घर से निकले तो थे जग जीतने के लिए, लेकिन घर लुटा के आ गए। हमारे परम मित्र जेठालाल गए तो थे 50,000 रुपए वापस लेने के लिए, लेकिन कुकर का चढ़ावा चढ़ा के आ गए। मेरे ख्याल से ऐसी किसी परिस्थिति को देख के इस कहावत का निर्माण हुआ होगा कि लेने के देने पड़ गए। और जेठालाल के इस पराक्रम का पता उनके तमाम रिश्तेदारों को लग चुका है, और अब हर रिश्तेदार एक्सपेक्ट कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है 50,000 रुपए के गिफ्ट की। अभी तो शुरुआत है साहब, देखिए आगे आगे क्या होता है, हंगामे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बाघा अभी तक पूरी तरह ठीक हुआ नहीं है, गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है। अब क्यों कर रहा है, वजह क्या है, ये तो खुदा जाने, लेकिन इतना तय है कि इसकी वजह से जेठालाल पे बड़ा असर हुआ है साहब, और एक असर तो आप पे भी हुआ है और हो रहा है, आपके घरों में हंसी हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।